चड्ढा लाइफ स्टाइल टेनिस टूर्नामेंट में रविवार को शानदार मुकाबले के साथ टूर्नामेंट का समापन हुआ। 105 आयु वर्ग में मोहित फोगाट मणि नेहरू की जोड़ी ने दिनेश लुयानी और राकेश कोहली की जोड़ी को 7-5 से पराजित कर मेंस 105 डबल्स का टाइटल जीता। ये इवेंट हरभजन सिंह चड्ढा मेमोरियल के नाम से विख्यात है। मोहित मनीष ने अन्नु शेडी की जोड़ी को बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-3 के स्कोर से पराजित कर जीत हासिल की। मेंस डबल्स के मुकाबलों में पवन जैन और मंजू खैर की जोड़ी ने विभा चौधरी और राकेश कोहली की जोड़ी को 6-2 से पराजित कर जीत दर्ज कराई। वहीं वुमेन डबल्स के मैच में मंजू खैर विभा चौधरी की जोड़ी ने राजश्री सोमानी और शालू गोयल को 6-4 से पराजित कर जीत दर्ज कराई। पुरस्कार वितरण चड्ढा ग्रुप के डायरेक्टर गुरजीत सिंह चड्ढा के द्वारा कराया गया। साथ ही अन्य रोचक मुकाबलों के साथ आगे बढ़ी टीमों और खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बलबूते जीत का सपना पूरा किया। टूर्नामेंट में फरीदाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, दिल्ली, IIT रुड़की, मुरादाबाद की टीमें शामिल रहीं। ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेस हुआ है और इन टाइम उन्होंने इसको साइज समाप्ति करी है और अगले साल के लिए भी हमने इसकी ITF में अब कराने जा रहे हैं। हम लोग मार्च की 16 से लेकर 21 तारीख तक का ये प्रोग्राम बनाया है नेक्स्ट ईयर के लिए और अगले साल इंटरनेशनल प्लेयर बाहर से भी आने की मतलब कि इस संभावना से हमने ITF करवा रहे हैं। हम कितने साल से ये तो हम 17 साल से करा रहे हैं। 18वां आज हुआ है हमारा समाप्त। सर इतनी उम्र के लोगों को लेकर टूर्नामेंट कराना मतलब बढ़ गया था सर, क्या कैसे थॉट है? ये तो एक सिस्टम है टेनिस के अंदर, उसी को हमने इम्प्लीमेंट करा है कि एक वो एज ग्रुप होता है 100 साल, 110 साल दोनों प्लेयर मिला करके वो एज बनती है तो वो एक प्लेयर बनता है। प्रमुख रूप से डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, राजीव जैन, संजीव जैन, करणवीर सिंह, चड्ढा ग्रुप के मैनेजर और डिप्टी चीफ वार्डन पंकज सक्सेना, राजीव जैन आदि मौजूद रहे।